ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की फिल्म वॉर बॉक्स ऑफिस पर बेहद ही शानदार कमाई कर रही है। फिल्म को रिलीज हुए 8 दिन हो चुके हैं, लेकिन फिल्म को अभी भी दर्शकों की तरफ से शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। जहां फिल्म ने 6 दिनों में 187.75 करोड़ रुपए की कमाई की थी, वहीं अब लीजिए फिल्म के 7वें दिन का कलेक्शन भी सामने आ गया है। बता दें कि वॉर के लिए दशहरा बेहद ही लकी साबित हुआ है। फिल्म ने 7वें दिन लगभग 27.75 करोड़ रुपए की कमाई की है। इसी के साथ फिल्म ने अब तक 216.65 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, जिसकी जानकारी ट्रेड एक्सपर्ट तरण आदर्श ने ट्विटर के जरिए दी है। तरण ने ट्वीट कर लिखा, वॉर वेंसडे 51.60 करोड़, थर्सडे 23.10 करोड़, फ्राइडे 21.30 करोड़, सैटरडे 27.60 करोड़, संडे 36.10 करोड़, मंडे 20.60 करोड़, ट्यूसडे 27.75 करोड़, टोटल रुपीज 208.05 करोड़, इंक्लूडिंग तमिल प्लस तेलुगु रुपीज 216.65 करोड़। इंडिया बिजनेस, दिस वन अ मॉन्स्ट्रस हिट। जिस तरह से ये फिल्म कमाई कर रही है, उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि आने वाले दिनों में भी इस फिल्म का दबदबा यूं ही बरकरार रहने वाला है। इतना ही नहीं, फिल्म को आने वाले हफ्ते का भी फायदा मिलेगा, जिससे फिल्म के कलेक्शन में और भी ज्यादा 4 चांद लग जाएंगे। बात करें फिल्म के बजट की, तो इस फिल्म का बजट 200 करोड़ रुपए है, जिसे फिल्म ने 7 दिनों में ही पार कर लिया है। सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को भारत में 4000 स्क्रीन्स और ओवरसीज में 1350 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है, यानी वर्ल्ड वाइड में इस फिल्म को 5350 स्क्रीन्स मिली है। बता दें कि अब तक बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन एक्शन फिल्म है। फिल्म में टाइगर और ऋतिक ने बेहद ही धमाकेदार एक्शन सीन्स किए हैं, जिन्हें देखकर दर्शक भी दंग रह गए। इस फिल्म ने बॉलीवुड में एक्शन फिल्मों का लेवल काफी हाई कर दिया है। फिल्म में ऋतिक और टाइगर के साथ वाणी कपूर भी इम्पोर्टेंट रोल में नजर आई हैं। वेल, देखने वाली बात तो अब ये होगी कि क्या वॉर भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी या नहीं। वैसे आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। टाइगर, रिकॉर्ड की बात करें तो कुछ रिकॉर्ड ऐसे भी होते हैं लोग दूसरे की तोड़ते हैं, कुछ रिकॉर्ड खुद की भी तोड़ते हैं। तो रिसेंटली आपने बागी 2 का बिगेस्ट ओपनिंग आप वॉर से देखे, आपने बागी 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया, खुद का रिकॉर्ड, क्या फील कर रहे हैं आप? बहुत, मतलब ऑब्वियसली खुशी की बात है, और ख़ासकर क्योंकि ये कुछ आई थिंक इतिहास में पहली बार ऐसा कुछ रिकॉर्ड हुआ है, यू नो, सच अ बिग ओपनिंग। सो आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल टू बी अ स्मॉल पार्ट ऑफ दैट रिकॉर्ड। और जैसे मैं कह रहा था सर, हम लोग यू नो उम्मीदें दिमाग में नहीं रख रहे थे। हम लोग बस हर शॉट, मेरे लिए खासकर चैलेंज ये था कि मेरे सामने ऋतिक रोशन खड़े हैं, तो मुझे अपना बेस्ट देना था हर शॉट, और उनको यू नो टक्कर नहीं कहूँगा, पर ये कहूँगा कि मुझे बस अपना बेस्ट देना था उनके सामने, और उनको सही से मतलब क्यूज रिएक्शंस देने थे, बस उससे ज़्यादा कुछ उम्मीदें नहीं थी। या ऋतिक या ऋतिक, टाइगर, सिद्धार्थ एंड वाणी, सी देयरफॉर यस्टरडे आई सॉ द फिल्म। The moment I was into the screening started here as such, to war film dekh raha tha, then I was at war with myself, ke whom to watch, Ritik or Tiger. Aapke jo that motorbike sequences, especially those sequences in the ad in the car at the Arctic Ocean, wherever you shot that film, it was mind-boggling. Aur ye mere, mujhe lagta hai ke sabhi audience ke saath mein ye silsila rehne wala hai. To how was the experience working neck to neck with each other, with such talent of each of you here as such? Well, it was great, yeah. I think without, if you don't enjoy what you're doing, it is impossible to get the results that you're talking about. So, mere liye it has been, log kehte hain ke, you know, student, mentor, on set, ulta tha. Main seekh raha tha, kyunki I was constantly watching the discipline that he has, the process that he applies, the honesty, the integrity, and no egos. Aur, कौन सीख रहा था, कौन सिखा रहा था, किसी को नहीं पता। कौन टीचर था, कौन स्टूडेंट था, किसी को नहीं पता। टाइगर, अबाउट यू? आई थिंक मेरे लिए जब भी हम एक्शन करते थे, यू नो, वी टू ऑलवेज टेल ईच अदर कि यार सर,
यू नो वे हम दोनों डांस पार्टनर्स जैसे हैं, क्योंकि हम जब भी एक्शन करते थे, कॉम्बैट करते थे, इट यूज टू फ्लो सो वेल एंड वी टू हैव ईच अदर्स रिदम एंड हैव ईच अदर्स बैक्स. सो इट वॉज लाइक वी आर बेसिकली डूइंग लाइक अ पार्टनर डांस. तो आई थिंक सिद्धार्थ सर भी अग्री करेंगे कि हम लोग मुश्किल से दो दो टेक्स में खत्म करते थे. सिद्धार्थ, हाउ वाज इट एक्सपीरियंसिंग दिस टू जायंट्स इन फ्रंट ऑफ यू? हाउ वाज द एक्सपीरियंस एज फार एज यू आर कंसर्न्ड डायरेक्टिंग? आई थिंक मेरे लिए आई थिंक दे वर जस्ट खालिद एंड कबीर. आई थिंक अगर ये आई वुड लुक एट देम एज ऋतिक रोशन एंड टाइगर श्रॉफ, इट वुड बी ओवरवेलमिंग. बट एज अ डायरेक्टर यू हैव टू लुक एट देम एज योर कैरेक्टर्स. आई थिंक दैट वॉज की, दैट यू डोंट गेट ओवरऑड. सिद्धार्थ, आपके सामने विकास फ्रॉम न्यूज़ नेशन. यहाँ जैसे कि मैंने आपका आपके साथ इंटरव्यू किया था, आपने कहा मैं बहुत ज़िद्दी हूँ और कभी कभी न्यूयॉर्क भी पूरा अपने गाने के लिए खाली करवा देता हूँ. तो इस फिल्म में क्या ज़िद्दीपना आपका दिखाई दिया और क्या ये इन लोगों ने उस ज़िद्दीपन का साथ दिया सभी ने? आई थिंक ज़िद्दी से मैं पागलपन पे उतर आया. I think starting from the fact that I wanted them, all three of them in fact, for this film. Starting from that, aur phir action ko ek notch higher le jane ke liye. For example, aap bike chase bahut filmon mein dekhte hain, car chase bahut filmon mein dekhte hain, yahan par apne plane chase dekha hai. Aur agar car chase dekha hai, usko Arctic mein dekha hai, ice par dekha hai. Bike chase at the highest point in Portugal aur high speed bike chase on a mountain, that's why I think wo reactions milta theater mein. I think everybody's on the edge of the seat because the curves are so dangerous, very risky. To idea tha, whether it's even Tiger's one shot action introduction, everything was to push them, push the team, push the production, push the local line production ki mujhe ye chahiye aur ye karna hai. I think tabhi jaake I think aisa ek spectacle ban paya hai. जिद से रितिक, हाय. वानी, एक आपसे भी सवाल था कि कोई ऐसा यादगार मोमेंट जो सबसे यादगार आपके लिए रहा हो फिल्म के दौरान, जिसे आप याद करती हो अभी? आई थिंक द एंटायर पूरा टाइम, जितनी भी जितना एक्सपीरियंस है, जितना भी मैंने काम किया इस फिल्म में, मुझे लगता है एवरी सीन, एवरी बिहाइंड द सीन, यू नो द वी शॉट, और एवरी सिंगल डे फॉर मी काउंट्स. क्योंकि मेरे लिए ये बहुत ही नया एक्सपीरियंस था और मुझे भी आई थिंक एक नया कैरेक्टर प्ले करने को मिला. सिद्धार्थ एनशोर्ड की यू नो ही प्रेजेंट्स मी इन अ वे जो जैसे मैं पहले नहीं प्रेजेंट हुई, एंड द फैक्ट दैट आई वाज वर्किंग विद ऋतिक, आई थिंक इट वाज फिनोमिनल. ही इज़ सुपर काइंड एंड ही इज़ सुपर सुपर स्वीट, यू नो हाउ ही इज. ऋतिक, ऋतिक, हाय ऋतिक. Hi Ritik, this is Ravi from ABP News. Okay, yes, okay. Please, thanks. Ritik, hi. Yes, hi. You have done quite a few action entertainers in the past. Really? Where? Yeah. Hardly get to do. Main itni koshish mein rehta hun. This is my favorite kind of film. Milte hi nahi hai mujhe. Of course, you are very... Sun rahe ho? Hello? But of course, you are a very versatile actor. I mean, besides action entertainers. But if you look at war, I mean, you think the portrayal by far has been the best of yours in an action film, and the bar is really raised now. Okay, without taking credit to myself for this, because I give that to my director always, whether I'm good or bad. So the credit of this goes to Sid, but I do agree with you. I feel that what Sid has been able to do and bring out of me through Kabir has been definitely one of my most aspirational, the most satisfying experiences of my life. That's for sure. Yes. That's true. Thank you. Yes, sir. You had a question. Hi, Ritik. This is Ravi from ABP News. Ritik, back to back, आपकी दो फिल्में सुपर हिट हुई हैं. आप बहुत चूजी माने जाते हैं फिल्मों के मामले में. कभी कभी एक साल में एक फिल्म आती, कभी दो साल में एक फिल्म आती रही हैं पिछले कई सालों से. अब क्या इन दो फिल्मों के हिट होने के बाद वो बदलेगा, वो चलन बदलेगा? आप ज़्यादा फिल्में करेंगे या उसी तरह आप ज़्यादा चूजी होकर ही फिल्में करेंगे? ये एक कोइंसिडेंस था कि बैक टू बैक तीन महीने में दो फिल्में आ गई. अब मैं क्या बोलूँ? अब शायद वक्त आ गया है फॉर मी टू बी एट माई इवन बेटर एंड बेस्ट व्हेन आई एम मेकिंग एनी decisions in my life. I am feeling very encouraged, very motivated. So I think I will
choose even better films, even better. Lekin usme how much time it takes and all that is not really in my hands. But I promise my best work is yet to come.